तो दोस्तों अगर आपको कला में रुचि है या फिर आप चाहते हो कला में काफ़ी ज़्यादा आगे निकलने के लिए, तो क्यों ना एक ऐसे कोर्स से कर लिया जाए जिसका नाम है BFA अर्थात बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। अब ये बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स है क्या, इसमें आगे आपकी क्या क्या प्लेसमेंट मिलेगी और साथ ही साथ इसके लिए बेस्ट कॉलेज भाई साहब कौन है, सबसे पहले एक आती है सवाल बेस्ट कॉलेज। तो दोस्तों अगर वो कला में रुचि है और चाह रहे हो साल 2020 में एक ऐसे कॉलेज में मतलब प्रवेश करने के लिए जो आपको बेस्ट पढ़ाई के साथ में बेस्ट प्लेसमेंट भी दे दे, तो क्यों ना एक ऐसे कॉलेज के नाम लिया जाए जिसका नाम है कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों बता दो कि इस कॉलेज की स्थापना 25 जनवरी 1939 ईस्वी में हुई थी, अर्थात इंग्लिश में बोले तो दोस्तों 25 जनवरी 1939 को इसकी हुई थी। और इसका पता दोस्तों गोविंद मित्रा रोड पटना में है और इसकी मैं फुल एड्रेस अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लूँगा, जाके आप वहाँ से देख लेना। दोस्तों इस कॉलेज को बनाने में श्री राधा मोहन एवं राजेंद्र प्रसाद जी ने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था और उन्हीं के योगदान फलस्वरूप ये आज कॉलेज खड़ा है। दोस्तों बता दें कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स अपनी यूनिवर्सिटी अर्थात दोस्तों पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है और ये एक एफिलेटेड कॉलेज है, अर्थात दोस्तों ये अर्ध सरकारी कॉलेजों में के लिस्ट में से नंबर वन आती है। दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि 2020 में यहीं से हम BFA का कोर्स करें था दोस्तों बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कोर्स करें, तो आप यहां से ब्लू कर सकते हो जिसमें आपको 5 साल की और 4 साल की अवधि यहां से दी जाएगी। आप 5 और 4 दो साल मिलाकर आप यहां से कर सकते हो। ये दोस्तों ये कोर्स आपको 5 साल की है और एवं एक कोर्स आपको 4 साल की है। आप यहां से ये कोर्स करने के लिए सबसे पहले आपको पर ईयर 50,400 रुपये खर्च आएगी, लेकिन तो बता दूं कि अगर आप हॉस्टल करते हो इंक्लूड तो आपको इतना रुपये खर्च आएगी, लेकिन अगर आप हॉस्टल करते हो शायद मतलब हटाते हो हॉस्टल तो आपको 22,000 समथिंग पैसा आपको पर ईयर की लगेगी, अर्थात दोस्तों आप पर ईयर के अनुसार में आपको 22,000 समथिंग पैसा पेड करनी पड़ेगी। अगर आप हॉस्टल इंक्लूड करते हो तो 50,000 समथिंग पैसा आपको पेड करनी पड़ेगी। दोस्तों BFA कोर्स के लिए ओनली इसमें सिर्फ 60 सीट है और ये 60 सीट की चुनाव ऐसे वैसे नहीं होती है। सबसे पहले आपको पटना यूनिवर्सिटी जिस समय फॉर्म गिरेगी या फिर जिस समय एंट्रेंस एग्जाम की फॉर्म आएगी एडमिशन की, उसी के साथ आपको ये फॉर्म भरनी पड़ेगी और उसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम के नंबर के तहत में आपकी चुनाव होगी। लेकिन रुको दोस्तों, इसमें अगर आप चाहते हो एडमिशन लेते आपको 12th में कम से कम 45% एनी स्ट्रीम से 45% होनी चाहिए। अगर आप 45% 12th में नहीं है तो आप यहाँ 10+2 के द्वारा यहाँ पर आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते हो। दोस्तों बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स UG कोर्स के अंदर में आती है। उसके बाद दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात और है, सो आप फटाफट सुन लीजिए। अगर आप चाहते हो यहाँ से BFA कोर्स करना था बस आप 3 ही स्ट्रीम आपको लोगों को मिल पाती है। उस 3 स्ट्रीम पे पहला नाम है आपको अप्लाइड आर्ट्स, दूसरा नाम है आपको पेंटिंग्स और तीसरा है स्कल्पचर। बस यह 3 ही स्ट्रीम्स आप यहां से कर सकते हो और ये आपको PU के अंदर में एफिलेटेड कॉलेज की आपको डिग्री मिलेगी। दोस्तों यही इसकी डिटेल्स है। अगर आप चाहते हो यहां से कोर्स करना तो आप यहां से ग्लोबल कोर्स कर सकते हो। पूरी डिटेल्स के लिए आप कुछ और जानना है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम आईडी मिल सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर जाके वहां से भी सोच सकते मुझे फॉलो कर लेना और वहां पर्सनल मैसेज भी मुझसे बात कर सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूंगा, वहां भी आपको सभी इसकी डाटा मिल जाएगी। दोस्तों तो अगर आप चाहते हो उसके बारे में कुछ और जानना तो आप मुझे कॉमेंट भी कर सकते हो। तो बस इस कॉलेज के बारे में इतना ही है, लेकिन दोस्तों उससे जाने से पहले आप लोग प्लीज़ एक बार इंजॉय कर लीजिए इसमें जो कुछ कला का जो केंद्र यहाँ बनाया गया है, उस कला केंद्र में कितनी कितनी सारी खूबसूरत यहाँ फोटो लगाए गए हैं या फिर बनाई गई है वो आप लोग जरूर देख लीजिए। तो ये मैं आपको दिखा देता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए जो चाहते हैं इस कोच में एडमिशन लेना। अगर आपको कुछ और पूछना तो मुझसे पूछ सकते हैं। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।